किसी के संकेत और आदेश से हम यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हुए हैं। चलो आगे बढ़ो। बेखबर दुश्मन पर आकस्मिक हमला करने का इससे बेहतर मौका दोबारा हासिल नहीं हो सकता। बादल, ये तो चुनारगढ़ की फौज है। ये तो सूर्य चला रहा है। वो देखो, हिम्मत और बरकत भी है। लेकिन चुनारगढ़ की फौज इस दिशा में क्यों चली आ रही है? ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। लगता है सूर्या को हमारी यहाँ मौजूदगी का कोई ना कोई सुराग जरूर मिल गया होगा। ऐसे ही लगता है। चलो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। गुफा के अंदर तक पहुँचने का यही रास्ता है। आओ बरकत खान, तुम फौज के एक टुकड़ी के साथ गुफा के मुहाने पर तैनात रहो। चलो। इस पहरेदार की लक्ष्मण रेखा को पार कैसे करें? ठहरो। चलो आगे बढ़ो। बादल, सूर्य बहुत चालाक है यार। वो कैसे भी ज्वाला और रूपवती तक पहुंच सकता है। इससे पहले कि वो उनके लिए खतरा बने, हमें ये गुफाई उड़ा देनी चाहिए। हाँ देवा।
दुश्मन का सफाया, जो गुफा में भीतर घुसाए थे वो सब के सब जलकर राख हो गए और सूर्य झील के पानी में डूबकर मर गया। खत्म हो गया सूर्य, अस्त हो गया सूर्य देवा, लेकिन अभी बरकत बाकी है। हाँ, शायद वो अपनी टुकड़ी के साथ जंगल के कोने पर तैनात होगा। देवा, हमें जल्द से जल्द रूपमती और ज्वाला को तलाश करके यहां से निकल जाना चाहिए। चलो देवा। ज्वाला, तुम चिनारघर की फौज ने जबरदस्त हमला किया हम पर। नहीं ज्वाला, मैंने तुम्हारी और रूपमती की सुरक्षा के लिए गुफा को ही उड़ा दिया है। रूपमती कहाँ है? जैसे विस्फोट हुआ उसने मुझे खुफिया सुरंग से बाहर निकाला और कहा कि हमें फौरन लसीरा गुफा पहुंचना चाहिए। तो क्या रूपमती वही गुफा के अंदर रहेगी? ज्वाला, नहीं बादल, उसने मुझे कहा कि वो इच्छाधारी नागिन है, वो अपनी रक्षा खुद कर सकती है और वो जंगल में निकल गई। हाँ ज्वाला, हमें भी फौरन यहाँ से चल देना चाहिए। हाँ, हमारा दुश्मन भी कम खतरनाक नहीं। सूर्य मर गया, लेकिन सूर्य मर गया। हाँ ज्वाला, इसी वजह से ये बात तय है कि बरकत खान हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, वो यहाँ का चप्पा चप्पा झाड़ मारेगा। लेकिन चुनारगढ़ की ताकत का खंभा नामी अय्यार सूर्या को मौत नसीब हो चुकी है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। हाँ, लेकिन अब हमें यहाँ से जल्द से जल्द निकलना होगा। अब दुश्मन सूर्या की मौत का बदला लेने की पूरी और पुरजोर कोशिश करेगा। चलो आओ। चलो, चलो। सूर्य को मौत देने वाला आज तक इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। हिम्मत सिंह की मौत का बदला मैं लेकर रहूंगा। धरती के छोर तक मैं तुम्हारा पीछा करूंगा और तुम्हें गिरफ्तार करके ही दम लूंगा। ताकों के निशान है, जरूर दुश्मन की दिशा है।
अकेले? उस विस्फोट के भट्टी में कोई नहीं बचा। हिम्मत सिंह भी मर गया। क्या हिम्मत सिंह नहीं रहा? हाँ, उस धमाके में। सूर्या, उस धमाके की आवाज सुनकर मैं तुम्हारी तरफ रवाना हुआ था। बरकत खान, चलो, हमें दुश्मन का पीछा करना है। चलो चलो। देवा, बादल, हमारा दुश्मन किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकता है। लेकिन अब ये लकवीरा गुफा महफूज नहीं है ज्वाला। बरकत बच गया है, वो जरूर यहाँ पहुंचेगा। तौर पर हमें यह लकवीरा गुफा फौरन खाली कर देनी चाहिए। यही मुनासिब है ज्वाला। मेरे सैयारी यंत्र के मुताबिक बादल को यहीं कहीं होना चाहिए। सूर्या, वो देखो, लगता है यही गुफा है, बादल और उसके सरगना का ठिकाना। हाँ, माया यंत्र के दौरान बादल ने मुझे ऐसे ही गुफा की छाया दिखाई थी। ये तो वही गुफा है। निसंदेह आगे बढ़ो और घेर लो इस गुफा को। ज्वाला, मैंने ये गुफा खाली करके मणि गुफा तक पहुंचने का तुम्हारा आदेश सबको दे दिया है। लगता है कि चिनारगढ़ की फौज हमारा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गई है। हाँ, बरकत और उसके दस्ते के सिवाय ये और कौन हो सकता है? बादल, तुम पूरी तरह से घिर चुके हो और सूर्या का यह आदेश है कि तुम हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर दो। ये तो सूर्या की आवाज है, यानी सूर्या जिंदा है। सूर्या यहाँ तक पहुँचा कैसे? आखिर सूर्या का यहाँ इतनी जल्दी पहुँच जाने का जरिया क्या हो सकता है? देवा, बादल, तुम सबको लेकर फौरन ये गुफा खाली कर दो। मैं जंगी और अनवर को आगाह कर देती हूँ, जल्दी जाओ। चलो देवा, चलो। बादल, हिम्मत सिंह की मौत की कीमत तुम्हें चुकानी होगी। अब तुम और तुम्हारी सरगना बच नहीं सकते। तुम यही छुपे हो बादल, मेरा यह अयारी यंत्र मुझे सब कुछ बता रहा है। अयारी यंत्र? ये कैसा अयारी यंत्र है जो मेरी जानकारी सूर्या को दे रहा है देवा? हाँ है, जहां तक मेरी जानकारी है इस सूर्या के पास एक दिशा संकेत अयारी यंत्र है। कहीं ऐसा तो नहीं? ये क्या कर रहे हो देवा? दरियाफ्त कर रहा हूँ। दरियाफ्त? लेकिन तुम क्या ढूंढ रहे हो देवा? वही दिशा संकेत यंत्र जिसका दूसरा हिस्सा तुम्हारे यहीं कहीं वस्त्र में छुपा हुआ है, जो उसे बराबर संकेत दे रहा है। मिल गया, देखा बादल, मिल गया। यही है वो अयारी यंत्र। लेकिन ये अयारी यंत्र मेरे वस्त्रों तक कैसे पहुंचा देवा? जब तुम चुनारगढ़ की हिरासत में थे तभी सूर्या ने मौके से ये तुम्हारे वस्त्र में लगा दिया। ये विनाशकारी यंत्र सूर्या को बराबर हमारी आमद रफ्त के रास्ते बता रहा है। बादल, तुम और तुम्हारे सरगना के फरार होने के सारे रास्ते सील बंद हो चुके हैं। सीमा,
तुम्हारे कोई भी साथी या सैनिक की कैद दुश्मनों के हाथ होने न पाए, क्योंकि अगर एक भी सूर्या के हाथ लगा तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो इस वक्त हिम्मत सिंह की मौत के इंतकाम की आग में चल रहा है। जंगी और उसके काफी साथी और सैनिक पहले ही गुप्त रास्ते के जरिए मणि गुफा की दिशा की ओर चल चुके हैं। ठीक है दीवा। हाँ ज्वाला। सुल्ताना और शानी को हिफाजत से मणि गुफा पहुंचाकर हिरासत में रखना होगा। जाओ तुम जल्दी निकलो। ठीक है ज्वाला। बादल अपनी सरगना के साथ खुद को हमारे हवाले कर दो। बादल तुम चुनालगढ़ की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। बादल सुना तुमने, तुम पूरी तरह से घिर चुके हो। सुना देवा, हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। जल्दी चलो। फिक्र करने की कोई बात नहीं है ज्वाला, क्योंकि काफी तादाद में हमारे साथी निकल चुके हैं यहाँ से। हाँ ज्वाला, हमारे साथी इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ से निकल जाने। क्या भाव रविराज, संभल कर निकलो तुम लोग। ज्वाला ये सब तो यहाँ से निकल ही जाएंगे, हमें भी दूसरे पोशीदा रास्ते से निकल जाना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। तुम ठीक कह रहे हो देवा। बादल अनवर तुम सबके सब इसी रास्ते से निकल जाओ। बादल सुना तुमने, तुम अब पूरी तरह से घिर चुके हो। बादल अपने आप को फौरन हमारे हवाले कर दो, ये आखिरी चेतावनी है। बादल अनवर निकल जाओ, निकल जाओ। चलो देवा चलो, हम दक्षिणी द्वार से निकलते हैं। ये क्यों नहीं खुल रहा? शायद अटक गया है। जल्दी करो देवा। बरकत, अब देर मत करो, तुम दक्षिण की तरफ से हमले की तैयारी करो और मैं सामने से धावा करूंगा। ज्वाला धावा, अब बचने की कोई उम्मीद नहीं। देवा अगर हमारे बचने की कोई उम्मीद नहीं तो मेरे इस आशियाने को बारूद से उड़ा देना होगा, ताकि हमारी इज्जत और स्वाभिमान बरकरार रहे। नहीं ज्वाला, जिंदगी का नाम पराजय नहीं संघर्ष है। संघर्ष का वक्त निकल चुका है देवा,